गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ। हमेशा एक बात याद रखें, अगर आप हर चीज में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते तो जो कुछ आपके पास है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। चलिए इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। लेकिन सबसे पहले नजर पंचांग पर। आज 13 सितंबर 2024 शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। नक्षत्रों की बात की जाए तो आज पूर्वाषाढ़ा का योग है। वहीं चंद्रमा आज मकर राशि में संचार करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज किन राशियों पर बरसने वाली है मां लक्ष्मी की कृपा। सबसे पहले बात मेष राशि की। आज दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। धन संबंधी मामलों में आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। आज जीतोड़ मेहनत कीजिए और धीरज के बल पर आप अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग आज आप घूमने फिरने में कर सकते हैं। वृष राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, बहुत ज्यादा तनाव और चिंता करने की आदत सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। माली सुधार की वजह से आज खरीदारी करना आपके लिए आसान होगा। घर पे किसी बात को लेकर कलह होने की भी संभावना बन रही है, मगर ऐसी स्थिति में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आज महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे करते समय दूसरों के दबाव में ना आए। आपको आपके काम की वजह से आज तारीफ भी मिल सकती है। दफ्तर में मान सम्मान बढ़ने के योग हैं, प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। जो लोग पशुपालन से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। आपके लिए आज बहुत सक्रिय और लोगों से मेलजोल भरा दिन रहने वाला है। आपकी राय आज किसी का दिन बना सकती है। वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। किसी पैतृक संपत्ति को लेकर हालांकि थोड़ा विवाद पैदा हो सकता है, ऐसे में आप बहुत समझदारी से फैसला लीजिएगा। बहुत समझदारी से आपको व्यवहार भी करना होगा। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आपका कुछ काम को लेकर मूड खराब हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार कर आज बात करनी होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी संवेदनशील मुद्दे पर आप बात कर रहे हों और आपकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जो दूसरे को आहत कर दें। इसके अलावा आज अपने काम में, चाहे दफ्तर हो चाहे व्यापार हो, जल्दबाजी ना दिखाएं, ऐसे में आपका काम खराब हो सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर अगर कुछ लोग परेशान चल रहे थे तो आज आपको आपका डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आर्थिक स्थिति ठीक होने के जो चांसेस हैं वो बन रहे हैं। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज किसी संत पुरुष का आशीर्वाद मानसिक शांति प्रदान करेगा। आपका आने वाला वक्त परेशानियों से भरा हुआ हो सकता है, मगर साथ ही आने वाले कुछ दिनों में बहुत से अच्छे मौके भी आपके हाथ लगेंगे। ऐसे में आप समय की कदर करना शुरू कर दें। अगर किसी बात को लेकर आपके मन में संशय है तो किसी से बातचीत कर मसले का हल खोजने की कोशिश करें। किसी नए बिजनेस की बात की जाए तो जीवन साथी के लिए नया बिजनेस शुरू करना, उसकी प्लानिंग करना, वो आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में ये व्यापार जो है वो आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जा सकता है। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, जल्दबाजी में किसी भी काम को करने से बचना होगा। किसी प्रॉपर्टी का सौदा बहुत ही सोच समझकर आज करें। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी चिंता बढ़ सकती है। आपको पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर दूर करने की जरूरत है। वाणी की मधुरता अगर आप बनाए रखते हैं तो आधी परेशानियां आपकी अपने आप हल हो जाएंगी। चीजें आज आपके पक्ष में फिर झुकी हुई नजर आ रही हैं। दफ्तर के कामकाज के चलते कुछ लोगों की जो है लंबी दूरी पर यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं।
तुला राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए अभी और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करके ही आप जो है सही परिणाम पा सकते हैं। दफ्तर में कुछ लोगों के लिए दिन परेशानियों भरा हो सकता है, ऐसे में अपने काम को लेकर सतर्क रहिएगा। सेहत के लिहाज से भी दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ऐसे में सेहत का ख्याल रखें। किसी काम को लेकर ऐसा हो सकता है कि मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ जाए। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए आज चारों ओर का वातावरण आपके खुशनुमा रहेगा। नौकरी से संबंधित कोई अच्छा मौका आपको मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। आप अपने काम को लेकर मनमर्जी चलाने से आज बचिए, नहीं तो उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना भी सुनने को मिल सकती है, ऐसे में सतर्क रहिए। माता पिता के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ काम आज पूरा होगा। धनुराशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए किसी काम को लेकर आप परेशान हैं तो वरिष्ठ जनों की सलाह आपके काम आ सकती है। बातचीत करने में संकोच ना करें। माता पिता की मदद से आर्थिक तंगी से आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसे मुद्दों पर बस आपको बात करने से बचना होगा जिनको लेकर प्रियजनों से वाद विवाद होने की संभावना है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी घाटे की संभावना बन रही है। व्यापार में इस वक्त हम यही सलाह देंगे कि किसी तरह का बदलाव करने से पहले सोच विचार लें या फिर जो है बदलाव को फिलहाल के लिए टाल दें। जो जैसा चल रहा है अभी उतने पर ही मेहनत करें तो शायद फल आने वाले समय में आपको अच्छे मिले। मकर राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए दिन थोड़ा सा तनाव युक्त रह सकता है। आपको अपने काम में अगर कुछ कठिनाइयां आ रही थी तो वो हालांकि दूर होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ एक लाभ के मौके भी बन रहे हैं। व्यवसाय में आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए प्रयास की ओर हाथ बढ़ा सकते हैं। नई साझेदारी आज आपके लिए फलदायी रहेगी, मगर पारिवारिक मोर्चे पर दिन थोड़ा सा खराब हो सकता है क्योंकि परिवार में लड़ाई झगड़ा बात को लेकर बढ़ सकता है। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाने का ये सही समय है। आज आपका ज्ञान और हास प्रयास आपके चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करेगा। प्यार के मामले में आज आप हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगे। कार्य कुशलता अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये सही समय है कि आप अब नई तकनीक से खुद को जोड़ना शुरू कर दें, और जो आपका नया अंदाज है काम करने का यकीनन वो आने वाले समय में सबका ध्यान भी आपकी ओर जो है आकर्षित करेगा। मगर इसी के साथ अगर हम बात करें सेहत की तो सेहत के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने का भी हम सलाह देंगे। मीन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपने माता पिता से परमिशन लेकर अगर कोई भी कार्यक्रम करते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि अच्छे फल भी मिलेंगे और माता पिता की रुचि भी उसमें देखने को मिल सकती है। किसी नए काम में परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा कामकाज के सिलसिले में भी यात्रा फलदायी साबित होगी। आज देखा जाए तो इस राशि के जो जातक हैं अगर वो दान करते हैं तो बहुत आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। इसी के साथ आज आप भगवान शिव की आराधना भी जरूर करें, इससे लाभ काफी ज्यादा जो है आपको मिल सकता है। तो ये था आज का राशिफल। कार्यक्रम के अंत में एक पॉजिटिव थॉट। हमेशा एक बात याद रखें कि अंत में आपके जीवन के वर्ष मायने नहीं रखते, बल्कि आपके वर्षों में जीवन मायने रखता है। चलिए इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम में अभी मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आशा करते हैं कि आज का दिन आपका मंगलमय होगा। नमस्कार।